Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about Hicksian substitution effect. Hicksian substitution effect क्या है? आपको बहुत ज़्यादा इसमें confused होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. बहुत simple सा ये effect है. Okay? मैं आपको बिल्कुल simple language में बताती हूँ ये actual में है क्या. Okay? तो बहुत बार क्या होता है? एक consumer कई बार इसमें क्या होता है? Worst condition में आ जाता है. ठीक है? और कई बार better condition में आ जाता है. कब वर्स्ट कंडीशन में आता है, कब बेटर कंडीशन में आता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. प्राइस क्या है, हम सभी क्या है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुकी है. हम क्या करते हैं, कभी मैं मोबाइल चाहिए, कभी क्लोथ चाहिए, कभी क्या चाहिए, हमारी खुशियां इन पे ही डिपेंड है. तो कभी क्या होता है, अगर किसी चीज का प्राइस कम हो जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बेटर कंडीशन में आ जाते हैं. ठीक है, पहले क्या था, बाटा शोरूम में शूज बहुत एक्सपेंसिव थे. सडनली क्या किया, बाटा ने 50% डिस्काउंट दे दिया, पेंटालून ने डिस्काउंट दे दिया, हम बहुत खुश हो गए, सेल लग गई, हम भागते उसे खरीदने के लिए. मीन्स जब प्राइस कम होता है तो हम कौन सी कंडीशन में आ जाते हैं, अच्छी कंडीशन में आ जाते हैं, बेटर कंडीशन में आ जाते हैं. दूसरी तरफ जब प्राइस कम हो जाता है तो हम बुरी कंडीशन में आ जाते हैं. हाँ, वो महंगा हो गया, पेंटालून के प्रोडक्ट बहुत महंगे हो गए, बाटा के महंगे हो गए, मोबाइल्स महंगे हो गए. ठीक है, जब क्या होता है, प्राइस कम होता है तो हम बेटर कंडीशन में आ जाते हैं, प्राइस क्या होता है जब बढ़ता है तो हम बुरी कंडीशन में आ जाते हैं. लेकिन हिक्सन कहता है ना तो कंज्यूमर को बेटर कंडीशन में रखो, ना कंज्यूमर को वर्स्ट कंडीशन में रखो, ना कंज्यूमर को बेटर कंडीशन में रखो, उसे क्या रखो, सेम कंडीशन में रखो. समझ रहे हो हिक्सन कैसे क्या कहता है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो एक कंज्यूमर अच्छी कंडीशन में आ जाता है उसमें उस कंज्यूमर को ना रखो, उसे सेम लेवल ऑफ कंडीशन पर रखो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर लगो. प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, सॉरी प्राइस क्या है, बढ़ेगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, वो बुरी कंडीशन में आ जाएगा. और दूसरी तरफ अगर प्राइस कम होगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, वो अच्छी कंडीशन में आ जाएगा. तो वो कहता है ना कंज्यूमर को अच्छी कंडीशन दो, ना कंज्यूमर को बुरी कंडीशन दो, उसे सेम कंडीशन में रखो. अब सेम कंडीशन में रखने के लिए उसे करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जब क्या है, उसके लिए क्या कहता है, उसकी रियल इनकम को क्या रखो, कॉन्स्टेंट रखो. मीन्स प्राइस के बढ़ने या कम होने से जो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है ना, जैसे मान लो प्राइस कम हो गया तो मेरे पास पैसे बच गए ना, क्योंकि वो गुड्स क्या होगी, सस्ती होगी. समझ रहे हो, प्राइस कम होने से मेरे पास पैसे बच गए ना, क्योंकि वो गुड्स सस्ती होगी. ठीक है, मीन्स मेरी परचेजिंग पावर क्या बढ़ गई है. ठीक है, तो वो क्या करता है, प्राइस के बढ़ने से या कम होने से जो कंज्यूमर की रियल इनकम में चेंज आता है ना, वो तो उसे क्या रखो, कॉन्स्टेंट रखो. मीन्स उसे उतने ही पैसे दो जितने उसके पास पहले थे. ठीक है, जैसे मान लो 60 रुपीज है. ठीक है, एक्स और वाई दोनों गुड्स हैं, दोनों का प्राइस क्या था, 30-30 था. एक्स का प्राइस तो क्या है, कॉन्स्टेंट, सॉरी वाई का प्राइस क्या है, कॉन्स्टेंट. लेकिन एक्स का प्राइस क्या हो गया, 15 रुपीज हो गया. तो अब कंज्यूमर जो 60 रुपए खर्च करता था, अब उसके पास 15 रुपए बच रहे हैं ना, वो कहता है जो इसके पास 15 रुपए बच रहे हैं ना, वो उससे ले लो. मीन्स कंज्यूमर जो प्राइस के बढ़ने या कम होने से कंज्यूमर जो बेटर कंडीशन में आता है या बुरी कंडीशन में आता है, तो उससे उतने पैसे ले लो या उसको उतने पैसे दे दो. यहाँ आपने 15 रुपए उससे ले लिए, वो कंज्यूमर के बच रहे थे. दूसरी तरफ मान लो एक्स मान लो 45 की हो जाती है और वाई 30 की रहती है. यहाँ पे कंज्यूमर को 15 रुपए की और जरूरत है ना पहले वाली कंडीशन में आने के लिए, तो वो 15 रुपए उसे दे दो ताकि एक कंज्यूमर बुरी कंडीशन में भी ना जाए. समझ रहे हो, हिक्सन बस इसके बारे में बात कर रहा है. एक कंज्यूमर की क्या करो, रियल इनकम को कॉन्स्टेंट रहो, उसके पास उतने ही पैसे रहने चाहिए जितने उसके पास पहले थे, चाहे प्राइस कम हुआ चाहे प्राइस बढ़ा. ठीक है, तो उसकी रियल इनकम को क्या रखो, कॉन्स्टेंट रखो. उसकी परचेजिंग पावर को क्या रखो, कॉन्स्टेंट रखो. उसकी परचेजिंग पावर को कॉन्स्टेंट रखने के लिए वो क्या करता है, उससे कुछ पैसे ले लेता है या उसको कुछ पैसे दे देता है. ठीक है, अब उसकी रियल इनकम को कॉन्स्टेंट रखने के लिए उसे किस में चेंज लाना पड़ता है, मनी इनकम में चेंज लाना पड़ता है. मीन कुछ पैसे उसको देता है और कुछ पैसे जब उससे लेता है तो किस में चेंज आते हैं, उसके मनी इनकम में चेंज आते हैं. मीन्स रियल इनकम क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, मनी इनकम में चेंजेस होंगे. ठीक है, जो मनी इनकम में चेंजेस आते हैं मीन्स उसे पहले वाली सेटिस्फेक्शन लेवल रखने, पहले वाली सेटिस्फेक्शन लेवल पे रखने के लिए मनी इनकम में जो चेंजेस आते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग वेरिएशन.
पहले वाली सेटिस्फेक्शन लेवल पर रखने के लिए जो मनी इनकम में चेंज जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, कंपनसेटिंग वेरिएशन। ओके, अब हम इसी बात को एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसी बात को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, आपकी वाई गुड है और ये आपकी एक्स गुड है। ओके, और ये आपकी, आपके बजट लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये ए बी क्या आपकी बजट लाइन है और ये आईसी क्या आपका इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, जहां पे बजट लाइन और आईसी आपके टेंजेंट होते हैं वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, ए बी आपकी बजट लाइन है, आईसी क्या है आपका ये इंडिफरेंस कर्व है, जहां पे आपकी बजट लाइन और कंज्यूमर ये आईसी क्या होता है टेंजेंट होता है वो आपका कौन सा पॉइंट होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। मीन जहां पे आपकी बजट लाइन और आईसी मिल गए वो आपका कौन सा पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, कंज्यूमर के पास क्या है, 60 रुपए है, टीसी वाई का प्राइस है, टीसी एक्स का प्राइस है। अब क्या हो गया, एक्स का प्राइस कम हो गया, एक्स का प्राइस कम होने से कंज्यूमर की देख बजट लाइन बढ़ गई है। ठीक है, वो ए पी वन हो गया, कंज्यूमर की बजट लाइन बढ़ गई है। अब देखो वाई की तरफ से कंज्यूमर की बजट लाइन सेम है, मींस वाई तो 30 रुपीस की है ना, वाई का प्राइस तो कम नहीं हुआ ना। वाई को खरीदने के लिए पहले भी मुझे 30 रुपीस चाहिए थे, वाई को खरीदने के लिए मुझे अब भी 30 रुपीस चाहिए, तो वाई के प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, इसलिए वाई की तरफ से बजट लाइन कॉन्स्टेंट है। सिर्फ मेरी बजट लाइन चेंज हुई है किसकी तरफ से, एक्स की तरफ से, क्योंकि एक्स का प्राइस कम हो गया। अब एक्स को खरीदने के बाद मेरे पास पैसे बच जाते हैं, मैं एक्स की क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकती हूँ। जैसे 60 थे, 30 मैंने वाई की खरीदी, 30 रुपए मैंने एक्स पे लगाए और 30 रुपए मैंने किस पे लगाए, वाई पे लगाए। ठीक है, तो एक्स का प्राइस 15 पर यूनिट था, अब एक्स का प्राइस पहले 30 पर यूनिट था, 15 पर यूनिट हो गया। पहले मैं एक्स की एक खरीद सकती थी, अब मैं एक्स की दो खरीद सकती हूँ। मीन्स मेरे पास एक्स को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बच गए हैं, जो 15 रुपए मेरे बढ़ गए हैं ना, मीन्स जो 15 रुपए मेरी एक्स सस्ता होने के कारण जो 15 रुपए मेरे पास बच गया वो ये 15 रुपए है, जो मेरी बजट लाइन क्या है आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, एक्स की क्वांटिटी को ज्यादा खरीद सकती हूँ। अब मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, ये आईसी वन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल ई टू होगा। लेकिन हमारा हिक्सन क्या कहता है, जो कंज्यूमर ये अच्छी कंडीशन में आया इसमें उसको रहने ना दो, उससे जितने उसके पैसे बढ़े हैं ना उतने उससे वापस लो। ये कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं बताता है, यही डिफरेंस है स्टक्सी और इसमें, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। ये सिर्फ इतना बताता है, ये नहीं बताता कि कितने पैसे ले लो, ये सिर्फ इतना बताता है कि उससे पैसे ले लो ताकि कंज्यूमर क्या कर सके, पहले वाले सेटिस्फेक्शन लेवल पे आ जाए। समझ रहे हो, जो ये अच्छी कंडीशन में ई टू पे आया है उससे इस कंडीशन में ना रहने दो, उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छी कंडीशन में कंज्यूमर क्यों आया, वो क्या कह रहा है, ये पैसे उससे वापस ले लो। अगर आप कंज्यूमर से वापस लेते हो पैसे तो उसकी बजट लाइन क्या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये नहीं आपकी बजट लाइन। ठीक है, अब वो कंज्यूमर कहाँ आ गया, ये ई वन इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, अगर एक और बात सुनो, हमारा कंज्यूमर क्या है, रैशनल कंज्यूमर है। आपने उससे पैसे ले लिए तो उसने क्या किया कि उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर लिया किसको, उसने क्या किया, पहले वो क्या कर रहा था, इतनी क्वांटिटी वो खरीद रहा था एक्स की और इतनी क्वांटिटी खरीद रहा था वाई की। जब आपने उससे पैसे लिए तो उसने क्या करा, वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया और एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। समझ लो, वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया और उसने एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अपनी इनकम कम होने के बावजूद भी उसने क्या किया, वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया और एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दी, क्योंकि एक्स क्या होगी, सस्ती होगी। ठीक है, ये कंज्यूमर का रिएक्शन, जो मेन क्या है, आपने उसको पहले वाली अच्छी कंडीशन में नहीं रहने दिया, आपने उससे पैसे ले लिए, फिर भी कंज्यूमर ने ई इक्विलिब्रियम को नहीं चूज किया, उस लेवल पे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि अब एक्स क्या हो गया, सस्ती हो गया। एक रैशनल कंज्यूमर क्या करता है, जो गुड्स सस्ती होगी, जो एक्स को पहले वो कम खरीदा था क्योंकि वो महंगी थी, लेकिन जैसे ही एक्स कम हुई तो उसने क्या किया, वाई के लिए एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसने क्या करा, वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया और एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। यही क्या है, आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। पैसे लेने से आप उसकी, आपने क्या कर दिया, उसकी मनी इनकम को कम करने से आपने, उस कंज्यूमर ने क्या किया, वाई की क्वांटिटी को कम करके एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया। जब एक कंज्यूमर वाई की क्वांटिटी को कम करके एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि एक्स का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, मींस वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है एक्स को वाई के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आएगा ये क्या, हिक्सियन सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, वेरी सिंपल।